ये सराय विक्रम है, नाम है सराय विक्रम, जौनपुर जिला है, यह स्टेट उत्तर प्रदेश है, भारत में पड़ता है। और हमारे यहाँ के नेता, सांसद और विधायक कहीं भारत से बाहर के हैं, शायद इनको पता नहीं है इनके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है, इनके क्षेत्र में कहीं चोरियां हो रही हैं, कहीं कांड हो रहे हैं, कई तरीके के, और प्रशासन के लोग इतने जबरदस्त हैं कि सुनवाई नहीं करते हैं। और वही सरकार की बात करें तो उनके सरकार में रह रहे सांसदों विधायकों की बात करें तो ये स्थिति है, सड़कों की ये जर्जर होती चली जा रही है, तमाम देख सकते हैं यहाँ पर उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पूरे सराय विक्रम का सर्वे किया है, अब आगे सर्वे करेंगे जौन रामपुर की तरफ, फिर उसके बाद भदोही में एंट्री करेंगे। पूरे गांव का हम सर्वे करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे नेताजी काम करते हैं अपने क्षेत्र में, कभी ब्राह्मण के नाम पर, कभी क्षत्रिय के नाम पर, कभी वैश्य के नाम पर, कभी शूद्र के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी सिख के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर। लेकिन मुद्दा यहाँ नहीं है, मुद्दा ये यहाँ सड़क का है, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग इस सड़क से गुजरते होंगे, कभी ब्राह्मण के घर में चोरी, कभी क्षत्रिय के घर में चोरी, कभी किस वैश्य के घर में, कभी शूद्र के घर में, कभी मुस्लिम के घर में, चोरियां का कांड बराबर बढ़ता चला जा रहा है। इतना जर्जर हो चुका है सिस्टम, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि पूछिएगा मत, सुनने के लिए ये तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, और बार बार किसी केस को, बार बार किसी मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। जो ईमानदार अधिकारी होता है वो बेचारे करने का प्रयास करते हैं तो बड़े लोग भी दबा देते हैं उस चीज को। कुछ बड़े लोग भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ पर सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरी रोड जर्जर हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कें होती है, ग्राम पंचायत जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली सड़कें होती है, ये सड़कों के हालात हैं। बताइए, पूरे रोड का हमने सर्वे किया, पूरा रोड जर्जर अवस्था में है, रोड खराब है, रोडों से स्लिप करके लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, उनके पैर टूट जाते हैं। अगर कोई गरीब है तो प्राइवेट अस्पतालों में धक्का कम देगा तो कम से कम 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया चला जाता है। सरकारी है तो सरकारी के हालात को आप देख सकते हैं, क्या स्थिति है वो आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारा प्रयास कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तस्वीर सराय विक्रम का देख रही है, और इस तस्वीरों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बराबर कहते हैं कि काम हुआ है सड़कों का, मुख्यमंत्री जी जरा देखिए, ये तस्वीर है सराय विक्रम का, और ये रोड पूरी जर्जर अवस्था में है, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होगी वहाँ तक पूरा रोड खराब है। आइए थोड़ा सा मैं सराय विक्रम का रोड है, कहीं ब्राह्मण बस्तियां हैं, कहीं यादव बस्तियां हैं, कहीं अलग बस्तियां हैं, अलग अलग बस्ती यहां पर रह रहे हैं, और नेताजी हमारे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन उसके नाम पर इस तरीके का विकास कर रहे हैं कि पूछिएगा मत। ये रोड पर देखिए, रोड की हालात इतनी जर्जर है, पूछिएगा मत, और तमाम चोरी के वारदात इस समय बढ़ गए, कोई दो राय नहीं है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चोरियां हो रही है, कहीं कितने कांड हो रहे हैं, कहने की कोई बात ही नहीं है। ये प्रशासन पूरी जानती है, प्रशासन लापरवाही भी करती है, कुछ स्तर पर कार्य भी करती है, और यही समस्या रहा है। प्रशासन हर बात को लगभग दबाने का प्रयास करता है, उम्मीद यही होती है जनता का कि हमारी सुनवाई की जाएगी, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं है, उसको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, दबाव डाला जाता है कि सुलह कर लीजिए, खेल यहीं पे खत्म कर दीजिए, चाहे कितना बड़ा क्राइम किया हो। सामने देख सकते हैं ये रोड पूरी जर्जर है, आगे की तस्वीर हम आपको अभी आगे की तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा रोड एकदम पूरा विकास की तरफ है, पूरा रोड जर्जर अवस्था में है। तमाम नेता हमारे यहाँ से गुजरेंगे, आएंगे, जाएंगे, लेकिन उनसे किसी बात से, किसी लोगों से कोई मतलब नहीं है। वोट लेने के समय जात के नाम पर वोट लेंगे, फलाना जात का नेता है, फलाना बिरादरी का नेता है, फलाना धर्म का नेता है, आपका विकास करेगा,
विकास का क्या कर रहे हैं, ये तो विनाश का काम कर रहे हैं। सड़कों को देखकर समझ सकते हैं आप लोग, हर कोई भगवा चोला पहनने वाला धार्मिक नहीं हो सकता, ठीक है। हर कोई धार्मिक दिखने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, ठीक है। और कपड़े से किसी को आका नहीं जा सकता, उसके रंग सूरत से नहीं आका जा सकता, लेकिन आजकल लोगों की भावनाएं कुछ ऐसी है, उसके कपड़े कभी भगवा देखकर उसे मार दिया जाता है, कभी काला देखकर मारा जाता है, कभी क्या देखकर मार दिया जाता है। और प्रशासन ऐसी लापरवाही करती है पूछिए रहा। और ये सड़क के वो हालात हैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का, सराय विक्रम का। मुख्यमंत्री जी, कोशिश कर रहा हूँ अपने उन जनप्रतिनिधियों को थोड़ा सा सजेशन देंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र में चलकर वो लोग आराम से बैठकर जो रोटियां तोड़ रहे हैं, रोटी तोड़ने के बजाय एसी में बैठने के बजाय थोड़ा थूब लेने का प्रयास करेंगे और इस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारा प्रयास ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस। जय हिंद।